सो दोस्तों ये है सुजुकी जिक्सर 250 BS6 वेरिएंट जो कि अभी रिसेंटली ऑटो एक्सपो में अनवील्ड हुआ था। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये बेसिकली BS6 कंप्लेंट वाली है जो कि अभी तक फिलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ये जस्ट अनवील्ड हुआ है। और मार्च तक आपको ये सारी गाड़ी आपके जो नियरेस्ट डीलरशिप है उसमें आपको मिल जाएंगी। ये जो सुजुकी जिक्सर 250 आप लोग देख रहे हैं ये मोटो जीपी एडिशन है और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है क्योंकि मोटो जीपी एडिशन इससे पहले आपको जिक्सर SF में आती थी पर नेकेड वर्जन में आपको जो मोटो जीपी एडिशन नहीं मिलता था, लेकिन अब जाके शायद आपको ये मोटो जीपी एडिशन आपको जिक्सर 250 नेकेड में भी मिल जाएगा। अभी मतलब ये सुजुकी का कहना है कि ये जो कलर ऑप्शन है ये बेसिकली अभी एज एक्सपेरिमेंटल है, अभी श्योरिटी नहीं है कि आपको ये कलर मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये इस कलर में लॉन्च करता है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि आप लोग इसका लुक देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। स्पेशली जो इसका मोटो जीपी का कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अगर आप सुजुकी जिक्सर SF को देखेंगे तो उसका भी सेम टू सेम इसी स्टाइल में पूरा जो पेंट स्कीम है डिज़ाइन है सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे भी सुजुकी जिक्सर में भी अगर आपको ऐसा सेम टू सेम मिलता है तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे हो जाएगी। इस कलर चेंजेस के अलावा यहाँ पे गाड़ी पूरी की पूरी सेम है, मतलब इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। सिर्फ इस जो इसका इंजन है वो अब जाके आप BS6 कंप्लेंट का इंजन मिल जाएगा। और अगर हम बात करें पावर के बारे में तो यहाँ पावर अभी भी सेम टू सेम एज इट इज़ है जो कि 26.5 BHP की पावर है वो अभी भी सेम टू सेम है, पर यहाँ पर जो टॉर्क है वो आपको 0.4 Nm टॉर्क यहाँ पर कम हो गया जो कि पहले आपको 22.6 मिलता था पर अब जाके आपको 22.2 Nm को यहाँ पे टॉर्क मिल गया, मतलब 0.4 Nm टॉर्क की यहाँ पे आप कमी हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ इस गाड़ी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, अभी भी आपको पुराने कलर्स मिलती थी। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइस के बारे में तो यहाँ पे प्राइस में आपको 3 से 4 हज़ार का यहाँ पे बढ़ोतरी मिलेगी क्योंकि BS6 वाला इंजन है तो डेफिनेटली प्योर रिफाइंड इंजन होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मूथ ये गाड़ी और भी हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको अभी भी गाड़ी में आपको सेम टू सेम वही डिजिटल क्लस्टर मिलता है, डुअल चैनल ABS मिलता है, सारी चीज़ें वही की वही सेम टू सेम है। लेकिन ये जो स्पेशल कलर है ये आप लोग देखिए ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही अल्टीमेट लगा सीरियसली। अगर आप इस मोटरसाइकिल को सामने से देखते तब आपको पता चल पाता है कि कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है मोटरसाइकिल क्योंकि नेकेड वर्जन में आप लोग देखिए ना फ्रंट से डिज़ाइन देखिए, जो फ्रंट का इसका हेडलैम्प है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, जो इसमें LED जो पूरा हेडलाइट का सेगमेंट है देख सकते हैं। और ये जो ब्लू कलर का जो लुक आ रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक हैवी ड्यूटी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई हैवी बाइक है क्योंकि 250 cc का यहाँ पे इंजन है। हालांकि यहाँ पे प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, जब इसने लॉन्च किया था प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन सुजुकी की जो गाड़ी मिलती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और माइलेज भी आपको यहाँ लगभग पहले जो आपको BS4 में आपको 30 का मिलता था पर अब जाके यहाँ पे 30 से 35 के बीच में यहाँ पे माइलेज मिल जाएगा। और ये गाड़ी आपको मार्च तक कोई भी शोरूम में जाके आप लोग पूछ सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में बुकिंग कराना तो आप लोग बुकिंग भी अभी करा सकते हैं। इसके अलावा BS6 में आपको जितनी भी और भी सुजुकी की बाइक्स वगैरह सब कुछ ये BS6 कंप्लेंट की अब आपको मार्च से मिलना चालू जाएगा। सो अगर आपको SF वेरिएंट पसंद है तो आप लोग SF वेरिएंट भी BS6 में ले सकते हैं, अगर आपको ये नेकेड वर्जन पसंद है तो आप लोग नेकेड भी ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली मेरा चॉइस है ये नेकेड वर्जन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आप सभी लोगों को क्या पसंद आया, सुजुकी जिक्सर SF फेयरिंग वाला पसंद आता कि आपको ये नेकेड वाला पसंद आता, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और ये जानकारी पसंद आई होगी। और मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, तो ये है सुजुकी जिक्सर 250 जिसमें अब आपको न्यू कलर ऑप्शन शायद देखने मिल सकता है जो कि है मोटो जीपी एडिशन। और उसके साथ इसमें जो पावर है वो आपको मिलेगी 26.5 BHP की पावर, जो टॉर्क है वो आपको 22.2 Nm की टॉर्क यहाँ पर मिलेगी। और अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में तो यहाँ पर 3 से 4 हज़ार की यहाँ पर प्राइस की बढ़ोतरी की गई। उसके अलावा इस बाइक में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, सब कुछ एज इट इज़ ही रखा गया है। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है MotoMahal। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।